आज सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल दिल्ली के संबंध में लेके आई है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चलाने का जो GNCTD एक्ट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट, इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है, ये एक पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा, दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब LG के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें, पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब ये है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल LG साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल LG के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो, अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों, ये विधानसभा बनाते क्यों, चुनाव कराते क्यों, ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो,